तो आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रोस की टाइप्स के बारे में। आपने लास्ट क्लासेस में देखा कि हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो को कैसे कस्टमाइज करके रिकॉर्ड किया, और आपने उसका इस्तेमाल आपने देखा, कुछ कोड हमने नए ऐड किए, कुछ कोड को हमने क्लीन किया, और हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में बताया। साथ में आपको दो काम दिया था। पहला काम दिया था कि जो मेनू बार के अंदर जितने भी आपके फीचर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके उसकी कोड को लिखने के लिए, जानने के लिए कि कॉपी का कोड क्या होता है, कट का कोड क्या होता है, इस चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। और दूसरा काम दिया था कि कुछ जो आपके डेली बेसिस की जो रिपोर्ट है, जो ऑटोमेट आप रिपोर्ट को क्रिएट करते हो, उस रिपोर्ट के ऊपर रिकॉर्डिंग माइक्रो अप्लाई करने के लिए, बट आप लोगों ने मुझे दिया नहीं। कोई बात नहीं, मैं आज ही भेज दूंगा सर, रात को ही। अब इसमें आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं आज की रिपोर्ट में। हम बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में, मतलब कि आप आगे चल के जो भी रिकॉर्डिंग माइक्रो करोगे या फिर रिकॉर्ड करोगे या कोड करोगे, वो आखिर होता क्या है, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो माइक्रो के टाइप जो होते हैं दो होते हैं। सबसे पहला होता है आपका माइक्रोज का टाइप जो होता है, होता है एक होता है पब्लिक। पब्लिक जैसे कि आप कोई माइक्रो कोड करते हो, चाहे आप विजुअल सी पे गए और आपने मॉड्यूल्स को इंसर्ट किया और उस इंसर्ट करके उसमें आपने कुछ कोड लिख दिया, जैसे लिख दिया आपने सब, कोई ऐसा माइक्रो डिजाइन कर दिया आपने। उसी तरह से आपके यहाँ पहले से रिकॉर्ड कर लिया आपने, ये सारा माइक्रो की कोडिंग जो है, क्योंकि आप जान जाहिर सी बात है कि एक्सेल में कुछ भी सेव करते हैं तो सही कहीं ना कहीं सेव होता है, तो आखिर वो सेव कहाँ पे होगा ऐसे। तो जो माइक्रो है ये सेव कहाँ पे होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये माइक्रो जो आप दिख रहा है, ये माइक्रो आपका सेव होता है आपकी फाइल की प्रॉपर्टी में। आपका जो फाइल है उस फाइल की प्रॉपर्टी में आपका ये सेव होता है, राइट। तो जो आपका फाइल है उसकी प्रॉपर्टी में सेव होने के कारण ये माइक्रो पब्लिकली ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब कि ये फाइल जैसे बुक वन है हमारा, ये बुक वन जहां जहां भी जाएगा इसके साथ बने हुए दोनों माइक्रोज हर जगह पर जाएंगे, और जो ये बुक वन को एक्सेस करेगा वो आपके माइक्रो को भी एक्सेस करेगा, इसलिए हम उसको पब्लिक माइक्रो कहते हैं। तो पब्लिक माइक्रो के दो एक पहली बेनिफिट क्या हुई कि फाइल के साथ तो ट्रेवल कर रही है, फाइल के प्रॉपर्टी में उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेव है, और जो जो फाइल को एक्सेस करेगा वो इसको भी माइक्रो को भी एक्सेस करेगा। पहली प्रॉब्लम, पहली जो हमारी बेनिफिट है सो। दूसरी बेनिफिट कि आप जो है उस माइक्रो को दूसरे किसी फाइल पे भी रन कर सकते हो, जैसे मैं बुक टू है मैं इस पे भी इसको रन कर सकता हूं। तो दो बेनिफिट है, पहले बेनिफिट है कि पब्लिकली और डिस्ट्रीब्यूट होती है, जहां जब ट्रेवल करती है, जहां जब फाइल होता है सबको एक्सेस होता है। दूसरी बेनिफिट कि आप उस फाइल को, उस माइक्रो को किसी भी फाइल पे इजिली रन कर सकते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है इसके बारे में जान लीजिए पब्लिक माइक्रो की। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब तक आपका वो फाइल ओपन है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे बुक टू में इसको रन कर रहा हूं, तो ये लिस्ट में तभी तक शो कर रहा है जब तक कि हमारा बुक वन ओपन है। तो बुक वन क्या है, ये आपका कोड होल्डर है, मतलब कि जो इन कोड है इसी बुक वन की प्रॉपर्टी में सेव है। जब तक ये बुक वन ओपन रहेगा तब तक मैं बुक टू बुक थ्री सारे फाइलों पर इसको रन कर सकता हूं। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो फाइल की एक्सेल का पार्ट बन जाए, जैसे कि आपके पिवट टेबल है, जैसे कि आपका फॉर्मूला है, ये सब चीजें आपका एक्सेल का पार्ट है। आप किसी भी फाइल में ओपन करो वो आपको रन कर जाता है, स्पेशली उसकी फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको पिवट टेबल रन करना है तो पहले आप एक लोकेशन पर जाके पिवट टेबल वाली कोड वाली फाइल को ओपन कीजिए, देन ओपन कीजिए, देन आप पिवट टेबल को यूज कीजिए। ये तो ठीक नहीं रहेगा ना सर, क्या? हेलो, बिल्कुल सर, यस सर।
तो यहाँ पे जो आता है, यही पे प्रॉब्लम आता है कि हमारी प्रॉब्लम होती है कि पब्लिक मैक्रो को हम पर्सनल मैक्रो नहीं बना सकते हैं। तो मैक्रो का दूसरा पार्ट आता है, दूसरा मैक्रो का टाइप आता है, वो आता है प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पर्सनल मैक्रो। पर्सनल मैक्रो का जो कोड है वो कोड आपकी ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होता है, वो किसी पर्टिकुलर फाइल में सेव नहीं होता है। उसका उससे बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी फाइल को ओपन करोगे तो उसके मैक्रो लिस्ट में वो मैक्रो दिखेगा, या फिर कोई मैक्रो वाली टैब पे उसको आपने लगा दिया तो हर मैक्रो के टैब हर फाइल में दिखेगा, वो एक्सेल का एक तरह से पार्ट बन जाएगा। तो आपको अगर जैसे बहुत सारे ऐसे कमांड, बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह बनाने हैं तो पब्लिक पर्सनल मैक्रो में बनाएंगे तो एक आपके लिए खासियत होगी। पर्सनल मैक्रो में क्रिएट कैसे करेंगे, जब आप मैक्रो रन करते हैं तो उसी समय से नीचे यहाँ देखिए आता है पर्सनल मैक्रो, सिलेक्ट करके बनाएंगे तो आपका पर्सनल मैक्रो क्रिएट हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, बेनिफिट तो समझ में आ गया कि एक्सेल की पार्ट बन जाता है और हर फाइल पे रन करता है। अब इसकी नेगेटिव पॉइंट समझ लीजिए, नेगेटिव पॉइंट इसमें इसका ये है कि ये आपकी ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर सेव होता है, एक किसी पर्टिकुलर फाइल में सेव नहीं होता है। जैसे मैंने अगर पर्सनल मैक्रो बनाया, अगर मैं उसको बुक वन के किसी को भेजा तो ये पर्सनल मैक्रो इस फाइल के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये फाइल के अंदर सेव ही नहीं है, ये फाइल से बाहर एक इसका एक अलग फाइल है जिसमें सेव है, एक्सेल के लाइब्रेरी में सेव है। तो नेगेटिव पॉइंट हुआ कि पब्लिकली ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। तो पर्सनल मैक्रो समझ में आ गया, उसके बेनिफिट्स और उसके नेगेटिव पॉइंट दोनों। जी सर। अब एक आता है, तो इसको प्राइवेट मैक्रो के तहत क्यों रखा गया है, क्योंकि ये तो हर फाइल में वर्क करता है, इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आपकी एक पीसी के लिए है, सिर्फ एक पर्सनल पीसी के लिए इसको प्राइवेट मैक्रो के कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा आपका आता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो तो क्रिएट ही प्राइवेट होते हैं, मतलब कि ये आपके किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए होता है। जैसे कि अभी जो आपको मैक्रो रन करना, चाहे आप पर्सनल मैक्रो ले लें या पब्लिक मैक्रो ले लें, आपको रन करना पड़ता है। चाहे आप रन से रन करें या शॉर्टकट से करें या फिर किसी बटन पे क्लिक करके करें, उस मैक्रो को ट्रिगर तो करना ही पड़ता है। क्या Yes, sir. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं मेरा मैक्रो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे रन करे, जैसे कोई फाइल ओपन करे तो लॉगिन आईडी मांगे, पासवर्ड मांगे, जब कोई सीट पे जाए तो वेलकम का मैसेज दे, जब कोई डबल क्लिक करे कुछ और मैसेज दे। समझ गए? जैसे कि मैं चाहता हूं कि जब मैं कहीं क्लिक करूं तो मेरा वो एरिया कलर हो जाए, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे व्यू कोड पे गया और यहाँ पे मैंने लोकेशन चूज किया वर्कशीट, और यहाँ पे सिलेक्शन चेंज हमारा इवेंट है। ऐसे बहुत सारे इवेंट है, सिलेक्शन चेंज डिफॉल्ट आता है तो इसी को लेता हूँ। सर मतलब किसी एक्शन पे ही वो मैक्रो को रन करेगा? हाँ, देखिए बताता हूँ आपको। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो कलर हो जाएगा। तो कलर करने का माइक्रो क्या है, हमारा ए है, कोड समझ लीजिए, माइक्रो ही समझ लीजिए। ये रन कब हो रहा है, जब मैं वर्कशीट में, कौन सा वर्कशीट, तो सीट टू के किसी भी सेल पे क्लिक करता हूं, मैं सिलेक्ट करता हूं, समझ गए, ये आपका इवेंट मैक्रो, ये क्रिएट ही आपका प्राइवेट होता है। प्राइवेट क्यों होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अब मैं C2 को अगर मैं डिलीट कर दूं तो एक सारी कोडिंग डिलीट हो जाए, क्योंकि इसकी सेव हुआ है वो C2 की प्रॉपर्टी में सेव हुआ है,
और रन भी होगा सिर्फ सीट टू के लिए, किसी और के लिए नहीं। इसलिए सर अगर इसको मैं मेल करूं, हाँ मेल फाइल पे, फाइल के अंदर तो सेव ही है, पब्लिकली ट्रांसपोर्ट तो होगा लेकिन एक फाइल के किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए प्राइवेट मैक्रो है। मतलब दूसरे के पास जाएगा तो वो इवेंट यूज कर सकता है ना। हाँ ओके सर, जहां जहां फाइल जाएगी वहां वहां सारे इंफॉर्मेशन और सारे फीचर्स जाएंगे, लेकिन वो फीचर्स सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही होगा। जैसे सीट टू के लिए है तो सीट टू के लिए होगा, वो सीट थ्री पे वर्क नहीं कर सकता, सीट थ्री के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। समझे? तो माइक्रो के टाइप समझ में आ गया। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा माइक्रो लेना है। अगर आप जनरली माइक्रो बनाना चाहते हो तो पब्लिक बनाओगे, आप एक्सेल का पार्ट बनाना चाहोगे तो पर्सनल बनाओगे, आपको इवेंट चाहिए तो आप चूज करोगे इवेंट माइक्रो। तो ये चीज बताने का पर्पस यही है कि एज पर अकॉर्डिंग योर यूज या मोटिव ऑफ यूज या प्रॉपर्टी ऑफ यूज यू कैन सिलेक्ट योर कोडिंग कंसेप्ट। इट्स क्लियर? जी सर। तो ये रही चीजें। अब बात करते हैं कि पर्सनल मैक्रो की। देखिए सर, पर्सनल मैक्रो क्रिएट करने तो क्रिएट कर लेते, लेकिन डिलीट नहीं होता है। डिलीट करने के लिए बहुत सारा तिग्रम करने पड़ते हैं, होता तो है लेकिन तिग्रम से होता है। इसलिए मैं पर्सनल मैक्रो यूज करने अवॉइड करने का सलाह दूंगा, मेरी पर्सनल सलाह है। लेकिन मुझे इवेंट मैक्रो की तरह ही कुछ चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप फाइल को सेव एज करें, जो फाइल जिस फाइल में आपने मैक्रो लगा रखा है, मैक्रो आप नॉर्मल पब्लिक मैक्रो बनाइए और उस फाइल को आप सेव एज करें एडिंस, ठीक है, एडिंस डेस्कटॉप पे एंड सेव। तो एडिंस क्या करता है कि इस फाइल से पूरी की पूरी जो फाइल है हमारी, इस फाइल से पूरी की पूरी कोड को, कोडिंग मेथड को यहां से अलग कर लेता है। कर लिया? अब मुझे क्या करना है कि किसी भी एक्सेल फाइल में जाना है वन टाइम, पहली बार सिर्फ, और एक्सेल ऑप्शन पे जाना है और मैं एक्सेल एडिंस, और उस एडिंस को मैं ऐड कर लूंगा यहां मैक्रोज में जाके। ऐड कर लिया एंड ओके। अब जैसे कि अब देखिए, अब बोलेंगे वो माइक्रो लिस्ट में आपका माइक्रो तो नहीं आया, पर्सनल माइक्रो तो लिस्ट में आया था लेकिन माइक्रो लिस्ट में माइक्रो नहीं आया, लेकिन आप कर सकते हो उसके लिए एक नया माइक्रो टैब बना सकते हो और मैं एक्सेल ऑप्शंस के कस्टमाइज इवन के थ्रू कर सकता हूँ। कस्टमाइज इवन गया, मैंने न्यू टैब पे क्लिक किया, यहाँ न्यू टैब पे, और हमारा टैब बन गया, और ऊपर यहाँ माइक्रोज पे क्लिक किया और हमारे जो देखिए माइक्रो आ गया, माइक्रो वन और माइक्रो टू आर, उस माइक्रो को मैं यहाँ इस न्यू ग्रुप पे होगा ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया। एंड इसको जैसे मैं ओके करूंगा, ये सारा माइक्रो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे आ जाएगा। आ गया ना? जी सर। और रन करने पे वर्क भी मेरा करेगा और बाद में उसे रिमूव करना चाहे तो रिमूव भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, रिमूव करने का प्रोसेस वही है कि आप एक्सेल ऑप्शन पे जाए, पहले तो कस्टमाइज इवन पे जाए, इसको यहाँ पे क्लिक करें, इसको पहले तो रिमूव करें यहाँ से, ठीक है, और फिर एक्सेल एडिंग्स में जाए, नेम जो मैक्रो में होगा वही चेंज होगा सर, वो मैक्रो वो एडिंग्स को मैं आगे से बढ़ाऊंगा, यहाँ से हटा दीजिए। हाँ बोले, क्या बोल रहे सर? ये जो बताया आपने, ये है तो पब्लिक, ये पब्लिक है लेकिन प्राइवेट की तरह काम करेगा। हाँ ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप किसी को फाइल भेज भी सकते हो ना, ये आप मान लीजिए कि आपके पास 500, आपने क्या है कि 500 फॉर्मूले बना रखे जो कि इसमें सेव है,
अब आपके कलीग ने बोला यार सारे फॉर्मूले मुझे भी दे दे, मैं भी इस्तेमाल करूं। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, एक फाइल उठा के मेल कर देनी है। तो वो सारे माइक्रो जो सारे फॉर्मूले वो भी एक्सेस कर सकता है, और इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, जस्ट स्टोर आपके सारे कोड्स है, जो स्टोर है आपके वो सिर्फ के सिर्फ कोड स्टोर है, डेटा स्टोर नहीं है। ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है एडिंस का। अब चलिए एडिंस से आगे बढ़ते हैं। अब एडिंस से अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है उसको चलिए बात करते हैं प्रोग्रामिंग का, कि अगर मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं तो क्या स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो देखिए जहां तक हम थ्योरिकल पार्ट है प्रोग्रामिंग का, सबसे पहला है एनालिसिस, कि आप पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करो, एक छोटा तरीका निकालो, फिर होता है एल्गोरिथम। उस तरीके को स्टेप बाय स्टेप लिख लो, देन कोड, उसकी कोडिंग करो, देन टेस्टिंग, उसकी टेस्ट करो, और कोई एरर आता है तो रीकोड एंड देन रीटेस्ट। कब तक? जब तक कि फाइल आपकी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होता है, देन अप्लाई। तो ये हमारे 5 स्टेप है किसी भी प्रोग्रामिंग करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ नेम लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखना चाहता हूँ, मार्क्स लिखना चाहता हूँ VVA के थ्रू। तो मैंने पहले समझ लिया कि हाँ रेंज का पार्ट है, कैसे करना है पहले उसको समझ लिया, फिर मैंने इसकी एल्गोरिथम लिखा यहाँ पे स्टार्ट, मैंने लिखा सेलेक्ट A1। तो जो स्टेप है वन बाय वन लिखा, जो कि मैनुअल स्टेप, मैनुअल हम लोग करते हैं, वो स्टेप हमें यहाँ पे लिखने हैं। A1, enter name, select B1, enter role, select C1, enter marks, right? आप बोलोगे सर ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये क्या है कि VVA चलता है लाइन में लाइन प्रोग्रामिंग, तो वहां पे आपको नाम लिखने से पहले कहाँ पे नाम लिखना है उसका एरिया देना होता है या एरिया को सिलेक्ट करना होता है। तो गलती से आपने पहले नाम लिख दिया, एरिया का सिलेक्शन बाद में किया, तो फिर आपका गलत हो जाएगा, वो एरर देगा या फिर गलत परफॉर्म करेगा। इसलिए सिक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, कि आपको पिवट टेबल लगानी है तो पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि पिवट टेबल लगाने के बाद डेटा को सॉर्ट करना है, तो कोडिंग उसी फ्लो में चलेगा, राइट? इसलिए एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो छोटा सा प्रोग्राम है इसलिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करने का। दूसरी चीज कि चलो आपको सारे स्टेप्स मेमोराइज है तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको मेमोराइज कौन सा रिपोर्ट होगा, जो आपका अपना रिपोर्ट होगा जिसको आप क्रिएट कर रहे हो। अगर आप किसी का फाइल बना रहे हैं, अब मान लीजिए कि मुझे इंदर जी ने कल बोला कि सुजीत जी मेरे एक रिपोर्ट को ऑटोमेट कर दो, और इंदर जी ने बैठ के मुझे सारी रिपोर्ट के बारे में बता दिया कि भाई मैं यहाँ जाता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो सारी कहानी हम आधी कहानी तो उनसे बात करने के बाद ही भूल जाएंगे। फिर फोन करके पूछेंगे इंदर जी इसके बाद क्या करना था आपको, फिर बोले से बताया तो था या दोबारा बता दो, भूल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्लाइंट की रिपोर्ट, जब किसी की फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले उसको समझते हैं, समझने के बाद उन्हीं के सामने सारे स्टेप्स को लिखते हैं और स्टेप्स को कंफर्म करते हैं कि इसके बाद आप ये काम करते हो ना, हाँ, तो बोले हाँ ये करते हैं, एक कंडीशन लगाते हो, एक कंडीशन लगाते हैं, ताकि हमें प्रोग्रामिंग करते समय कोई भी जो स्टेप है एक तो अनसिक्वेंस ना हो और दूसरा मिसिंग ना हो। तो एल्गोरिथम भी एक अच्छा पार्ट है। तो मतलब जो डायरी आपको मैं लेने की बोला था लास्ट क्लास में, उस डायरी के अंदर में आप हर कोड का, जो भी कोड आप करोगे उस कोड का एल्गोरिथम भी होना चाहिए। क्या बोला इंदर जी? सही बोला सर।
हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। हाँ जी ठीक है। तो एल्गोरिथम इम्पोर्टेंट है, तो एल्गोरिथम को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर ले तो सही रहेगा। तो आप क्या करें कि एक नया काम मैं आपको देता हूँ, आपके ऑफिस के अंदर में आप जो रिपोर्ट डेली बेसिस से बनाते हैं, क्योंकि आपके ऑफिस से रिपोर्ट भी ऑटोमेट करना है, तो आप अपने ऑफिस की रिपोर्ट की सबसे पहले एल्गोरिथम तैयार करें ताकि आप उसकी ऑटोमेशन धीरे धीरे कर सके। दूसरी चीज क्या होता है कि एल्गोरिथम बनाने से एक और फायदा हो जाता है कि कौन से स्टेप का कोड हमें पता नहीं, हम उसकी रिसर्च कर लेते हैं, कोड करते करते फिर मुझे यार इसका कोड क्या होगा, को आधी कोड करके फिर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले हम एल्गोरिथम लिख दिए तो मुझे एकदम से पता चल जाता है, अच्छा इसका कोड क्या होगा, इसको करने का कोड क्या कहते हैं, तो उसको रिसर्च कर, उस कोड को रिसर्च करें। मतलब कि समझिए कि ब्लू प्रिंट है किसी प्रोग्राम का। तो आप लोग क्या करें, कोई एक पर्टिकुलर कोड को पर्टिकुलर किसी एक या दो जो रिपोर्ट्स को आप एल्गोरिथम तैयार करें, ठीक है ना, और उसके बाद एल्गोरिथम तैयार हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे जिस जिस का कोड आपको आता जाएगा उसको सामने से कोड लिखते चले जाइएगा, और जिसका कोड नहीं आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, एंड एंड लास्ट क्या होगा वो रिपोर्ट आपको ऑटोमेट हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, लर्निंग का लर्निंग और आपका एक ऑफिस का रिपोर्ट भी ऑटोमेट हो जाएगा, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एल्गोरिथम को तैयार करें, राइट। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में, अब कल से हम आपकी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, राइट सर। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जिसकी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं ये स्टार्ट करेंगे। मतलब जो कथावाचक था वो आज खत्म हो गया, कल से कथा नहीं होगी, कल से पढ़ाई होगी। जी सर, ओके सर, यस सर, तो मिलते हैं कल की क्लास में, ओके। हाँ सर, सुबह से एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। कि अगर मान लो सुबह 6:30 बजे करना चाहे तो कर सकते हैं कल? कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका लिंक भी भेज दीजिए सर। सेम होता है, सेम होता है। अच्छा, ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक्स।